दोस्तों आईपीएल 2025 का ऑक्शन हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा और मेगा ऑक्शन होने की वजह से अब काफी सारे नामी गिरामी बड़े बड़े खिलाड़ियों के यहाँ पर टीमों में बदलाव होगा। आपको इस वीडियो में 10 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताए जाएंगे जो कि आईपीएल 2025 के एडिशन में यहाँ पर नई टीम की तरफ से नई जर्सी में हमें नजर आएंगे। आपको उन खिलाड़ियों के नाम उनकी नई टीमें तक इस वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट की। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है रोहित शर्मा का, तो हमें पता है कि मुंबई इंडियंस इसके साथ ही रोहित शर्मा और मुंबई के ओनर्स के बीच क्या विवाद चल रहा है। विवाद के चलते रोहित ने तो कंफर्म कर दिया कि मुंबई के साथ वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे। अभिषेक नायर के साथ जो इनकी वीडियो वायरल हुई थी उसमें रोहित शर्मा ने साफ कहा था कि मुंबई से मेरा आखिरी सीजन है और उसके बाद लगातार ये कंफर्म हो गया था कि रोहित शर्मा रिलीज हो रहे, रोहित शर्मा नई टीम में अब जाएंगे और रोहित शर्मा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। और एज ऑफ नाउ आ रही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोहित को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता की टीम टारगेट कर रही है। इन दो में से एक टीम में रोहित शर्मा कंफर्म रूप से जाएंगे, जहां पर कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स दोनों रोहित शर्मा में यहां पर टोटली इंटरेस्टेड है। तो रोहित शर्मा या तो दिल्ली या फिर कोलकाता की जर्सी में अगले साल यहां पर नजर आने वाले। इसके बाद नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, तो सूर्य कुमार यादव भी मुंबई के मैनेजमेंट और टीम से कुछ नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने इस वजह से आधा सीजन भी मिस किया था और अब सूर्य कुमार यादव ऑक्शन में जाएंगे, इन्होंने डिसीजन लिया। और सूर्य कुमार यादव को रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पंजाब की टीम यहां पर बोल रही है कि वो ऑक्शन में है, क्योंकि पंजाब की टीम इनको परचेस करके कप्तानी देने के लिए यहां पर विचार कर रही है। तो पंजाब को यहां पर सूर्य कुमार यादव मोस्ट लाइकली शायद यहां पर लीड भी करते हुए देखे, पंजाब की हमें कप्तानी भी करते हुए यहां पर नजर आ सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कुमार यादव क्या कप्तान के तौर पर सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो इसके बाद नाम आता है पृथ्वी शो का। तो पृथ्वी शो का डोमेस्टिक में भले ही काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन आईपीएल में पिछले दो सालों से ये फ्लॉप रहे। इवन दिल्ली कैपिटल्स ने 70% मुकाबलों में इनको ड्रॉप भी कर रखा था और यहां पर मेगा ऑक्शन में केवल 4 रिटेंशन होने की वजह से ये रिटेन नहीं होंगे। और यहां पर पृथ्वी शो को इनकी यहां पर डोमेस्टिक की जो यहां पर टीम है मुंबई, वो मुंबई यहां पर इनको देख रही है, जहां पर डोमेस्टिक में ये मुंबई से खेलते हैं। आईपीएल में भी ये मुंबई के लिए हमें नजर आएंगे। रोहित शर्मा जो मुंबई में जा रहे उनकी जगह यहां पर पृथ्वी शो को हार्दिक पांड्या मुंबई में लाना चाह रहे। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की जगह पृथ्वी शो यहां पर मुंबई की जर्सी में हमें अगले साल यहां पर नजर आएंगे। इसके बाद नाम आता है डेविड मिलर का, तो गुजरात से भी यहां पर डेविड मिलर रिटेन नहीं हो रहे। 4 रिटेंशन की पॉलिसी की वजह से ये अनफॉर्चुनेटली रिटेन नहीं हो पाएंगे और चेन्नई की टीम इनमें काफी अधिक इंटरेस्टेड है। जब यहां पर मिलर ऑक्शन में है, हर बार चेन्नई ने इन पर बड़ी बिड करी है, तो एक बार फिर से चेन्नई में इंटरेस्टेड है और चेन्नई से मोस्ट लाइकली यहां पर ये खेलते हुए भी दिखेंगे। चेन्नई को ऐसे एक प्लेयर की नीड है, तो डेविड मिलर अगले साल चेन्नई में मोस्ट लाइकली हमें नजर आए। इसके बाद नाम आता है केन विलियमसन का, तो विलियमसन भी यहां पर रिलीज हो रही है, कंफर्म है। और विलियमसन को पंजाब की टीम यहां पर देख रही है। पंजाब के लिए विलियमसन अगले साल में नजर आएंगे। पंजाब की टीम टोटली नया स्क्वाड बिल्ड करेगी, जहां पर सूर्य की कप्तानी में एक कंप्लीट नया स्क्वाड यहां पर ये टीम बिल्ड करेगी। तो विलियमसन का भी वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आप विलियमसन को आखिर पंजाब में देखना चाहोगे या फिर नहीं। इसके बाद नाम आता है केएल राहुल का, तो केएल राहुल और यहां पर लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका के बीच कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी हमें पता है, और उस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद ये तो यहां पर रिलीज हो रहे, ऑक्शन में जा रहे और आरसीबी ने इनको कप्तानी तक का प्रपोजल दिया। आरसीबी के फेफ डुप्लेसिस अब रिटायर हो रहे, तो कुल मिलाकर इनको यहां पर कप्तानी का प्रपोजल मिल चुका। और केएल राहुल अब मोस्ट लाइकली अगले साल हमें यहां पर आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, ना सिर्फ खेलते हुए दिखेंगे बल्कि अपनी होम टीम आरसीबी की ये कप्तानी करते हुए दिखेंगे, टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। और विराट कोहली और केएल राहुल के जोड़े एक बार फिर से हमें आरसीबी के लिए नजर आएंगे। आप कमेंट करके बताइए आप आरसीबी में आखिर केएल राहुल को देखना चाहोगे या फिर नहीं। इसके बाद नाम आता है क्विंटन डिको का, तो क्विंटन डिको का काफी खराब सीजन रहा था और अब शायद ये यहां पर अब लखनऊ से कंटिन्यू नहीं रहेंगे और राजस्थान रॉयल्स में अगले साल ही नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको टारगेट कर रही है, इनको देख रही है, तो राजस्थान से अब इनका नजर आना पूरी तरीके से कंफर्म है, पूरी तरीके से थे। इसके बाद नाम आता है खगेश्वर रबाड़ा का, तो खगेश्वर रबाड़ा भी पंजाब से रिलीज हो रहा है, आरसीबी की जर्सी में ये नजर आ सकते हैं। आरसीबी की टीम मेगा ऑक्शन में यहां पर गेंदबाजों पर भी नजर रखेगी, तो खगेश्वर रबाड़ा मोस्ट लाइकली आरसीबी की टीम के लिए अगले साल में खेलते हुए। इसके बाद नाम आता है जोस बटलर का, तो जोस बटलर भी यहां पर 4 रिटेन प्लेयर की पॉलिसी की वजह से शायद राजस्थान में कंटिन्यू ना रहे। और जोस बटलर को यहां पर लखनऊ की टीम भी यहां पर कंसिडर कर रही है, तो अगले साल लखनऊ के लिए हमें मोस्ट लाइकली जोस बटलर यहां पर नजर आएंगे, लखनऊ की टीम में यहां पर ये खेलते हुए दिखेंगे। हो सकता है लखनऊ को यहां पर लीड करते हुए भी ये नजर आ जाए। इसके बाद नाम आता है शिमरन हेटमायर का, तो शिमरन हेटमायर भी यहां पर 4 रिटेंशन पॉलिसी की वजह से रिलीज होंगे और मुंबई इंडियंस इनके पीछे कंफर्म रूप से जाएगी। मुंबई की टीम फिनिशर की तलाश में, जब से पोलार्ड गए तब से फिनिशर नहीं मिल पाया। हार्दिक पांड्या के साथ एक और फिनिशर की मुंबई को डेफिनेटली नीड है, तो इस वजह से अब हेटमायर को ये टीम टारगेट करेगी और मोस्ट लाइकली शायद हेटमायर मुंबई की तरफ से खेलते हुए दिखे। तो ये 10 दिग्गज खिलाड़ी अगले साल में नई फ्रेंचाइजी नई टीमों से खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप अपनी फेवरेट टीम में आखिर इनमें से कौन से प्लेयर को देखना चाहते हो और आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा प्लेयर ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।